भटकोगे तुम, कब तक धक्के खाओगे, कब तक परेशान रहोगे, कब तक आंसू बहाओगे। एक काम करो, तुम्हें हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है, बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। तुम शनिवार या मंगलवार की सुबह 6 बजे की पेशी करना प्रारंभ कर दो, महाआरती में आना प्रारंभ कर दो, पर्चा बने या ना बने, बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। और याद रखना, कई लोग हमसे कहते हैं कि आप बागेश्वर धाम की ही चर्चा क्यों करते हो, मेरे पागलो, हमने प्रत्यक्ष अनुभव देखा है, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं और बालाजी के चरणों से झोली भरकर लेकर जाते हैं। अगर तुम भी चाहते हो, जीवन में अति परेशान हो चुके हो, रास्ता नहीं सूझ रहा, तो याद रखना, हम वो माध्यम नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम तो तुम्हारे जैसे ही साधारण मानव हैं, बस गुरुजी की जो कृपा है उसको हम बांट देते हैं, गुरुजी की जो प्रेरणा है उसको बोल देते हैं, और बालाजी की ऐसी कृपा है कि जो कह दिया जाता वो कटता नहीं है। दरबार, माइक, टेंट, ये दरबार हमारा प्रदर्शन का विषय नहीं है, अपितु इस प्रकार से दरबार लगाने का मतलब, आज तक जो सनातन के ऊपर उंगली उठाते थे कि सनातनी महात्मा पाखंडी होते हैं, ब्राह्मण पाखंडी होते, उनके मुंह पर तमाचा मारना है। अगर तुम्हें लगता कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो आ जाओ, जो ठटरी ना बार दइए तो कहना। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े न्यूज वाले, मोटे मोटे खूब खोज कर रहे हैं, करते रहे और करते रहेंगे, ठटरी पिरले बरत रही, अब बार रहे हो, जब तक जिएंगे ठटरी बारेंगे। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, कि बागेश्वर धाम पर कैसे कृपा हो जाती है। अब भाई झूठा मूठा तुम कुछ भी बोलते रहो, लेकिन भाई हवा और कृपा दोनों दिखाई नहीं पड़ती है, पर होती है।